नमस्कार दोस्तों, इस बार हम हाजिर हैं दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के एक नई खबर और एक नए विश्लेषण के साथ। इस बार हम बात कर रहे हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट कैसे पटना एयरपोर्ट को पीछे छोड़ देगा और कैसे ये आगे निकल जाएगा। आज हम इसकी बात करेंगे कैसे पटना का नया विकल्प बनेगा दरभंगा। तो इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पटना एयरपोर्ट से अगर मुकाबला किया जाए तो दरभंगा इसलिए वरदान साबित होगा उत्तर बिहार के लिए क्योंकि इसके कई ज़िले, करीब 17 ज़िले बताए जा रहे हैं कि इससे लाभान्वित होंगे, जिसमें मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया और नेपाल का एक बहुत बड़ा इलाका इससे लाभान्वित होगा क्योंकि ये दरभंगा से करीब होगा और इनको गंगा पार करके पटना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए उत्तर बिहार का ये केंद्र बनने जा रहा है अगले कुछ महीनों में। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि 17 ज़िले और नेपाल के इलाके इस एयरपोर्ट से जुड़ेंगे और उनको ये फ़ायदा होगा, उनका समय बचेगा और इस तरीके से दरभंगा एयरपोर्ट न सिर्फ उत्तर बिहार के लिए वरदान साबित होगा बल्कि पटना का एक नया विकल्प भी बनेगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता दूं कि दरभंगा में बिहार का सबसे लंबा रनवे, दरभंगा में है और इसकी मुकाबला किया जाए पटना से तो पटना जो है वो उसका जो है उसकी 6000 फीट उसकी जो है वो रनवे की लंबाई है, जबकि बिहार में, बिहार का दरभंगा जो है वो 9000 फीट इसकी लंबाई है रनवे की। तो इस तरीके से अगर मुकाबला किया जाए तो रनवे के मुकाबले में भी पटना कहीं पीछे नहीं टिकता और दरभंगा जो है वो कहीं आगे है और इसकी सबसे 3000 फीट ज़्यादा है पटना से इसके रनवे की लंबाई, इसलिए ये पटना से अलग है और ये बड़ा है। यहाँ बोइंग विमान उतर सकता है, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बोइंग विमान उतर सकता है, इसलिए ये रनवे नहीं बल्कि उत्तर बिहार का लाइफ लाइन कहा जा रहा है आने वाले कुछ महीनों के बाद। तो इस तरीके से अगर ये बात की जाए तो उत्तर बिहार की ये नई राजधानी बनने जा रही है, एविएशन का हब बनने जा रहा है अगले कुछ महीनों में या अगले कुछ सालों में। ऐसे क्रांतिकारी यहाँ परिवर्तन होंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। हम अगर मुकाबला करें पटना से दरभंगा की के इस एयरपोर्ट की तो मुकाबले में कहीं पटना नहीं ठहरता। दरभंगा एयरपोर्ट से फाइटर जेट की लैंडिंग या ट्रेनिंग हो चुकी है जबकि पटना एयरपोर्ट पे ऐसी सुविधा नहीं है। इसका रनवे मैं आपको बता चुका हूँ कि 9000 फीट लंबा है दरभंगा का जबकि पटना का 6000 फीट है। दरभंगा एयरपोर्ट में 3 विमान की फ़िलहाल पार्किंग की सुविधा है जबकि पटना में 5 विमान की पार्किंग की सुविधा है, तो इसमें थोड़ा सा आगे है। दरभंगा में बोइंग विमान लैंड कर सकता है, इतना बड़ा रनवे है, लेकिन पटना में यह सुविधा नहीं है क्योंकि उसका रनवे छोटा है। तो जगह के मामले में भी दरभंगा एयरपोर्ट आगे है और जहां पटना में कंजेशन है वहां पर दरभंगा में बहुत सारा जगह है, बहुत सारी स्पेस है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो इस तरीके से दरभंगा एयरपोर्ट आने वाले दिनों में न सिर्फ उत्तर बिहार के लिए वरदान बनेगा कि बल्कि पटना का विकल्प भी बनेगा। शुक्रिया, आपने ये वीडियो देखा, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।